इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। राशि तुम करो, मैं आई। हाँ बस। अखिल जी, आज आप जल्दी आ गए। सब फालतू सवाल पूछ रही हो तुम। नहीं नहीं, आपसे नहीं नहीं, हाँ मैं आ रहा हूँ बस। हाँ नहीं, आप कल की मीटिंग रखिए, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, और उनसे कहिए कि जो भी प्रॉब्लम होगी वो हो जाएगी। राशि, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी की क्लास कल करेंगे। जी मैम। अखिल जी, पानी। अखिल जी कहाँ चले गए? अभी अभी तो रूम में आए थे। तुम तो बहुत तेज निकले, एक मिनट पहले अंदर थे और इतने जल्दी बाहर भी आ गए। सब तुम्हारी वजह से है जाने वाली। तुम्हें नशा ही इतना है, जानने तक जा सकता। अखिल जी, तुम ना मुझे ऐसे डराया मत करो, किसी दिन मेरे दिल की धड़कन रुक गई तो चेक करें। अखिल जी, पीछे का दरवाजा खुला है, अखिल जी यहीं से बाहर गए होंगे। मैं अपनी गलती मानता हूँ, अब माफ भी कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अखिल जी, अब भी माफ नहीं करोगे? सोनी की चैन मेरे लिए। यहाँ तो नहीं है, बाहर जाकर देखती हूँ। अखिल जी, पीछे चलते हैं। नहीं, पीछे जाने का रास्ता नहीं। आवाज कहां से आ रही है? आगे से ही जाना पड़ेगा। मैडम, ये टिफिन भूल गए थे साहब गाड़ी में। मैडम, कुछ ढूंढ रही आप? अखिल जी आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे, फिर पता नहीं अचानक से कहां बाहर चले गए, उन्हीं को देखने आई थी। साहब को तो मैंने वो पीछे वाले रास्ते से जाते हुए देखा है, शायद शॉप में गए होंगे। अच्छा, मैं भी ना, ठीक है। सुनो, मैं चलती हूँ। आज तो बचा लिया यार तूने, इनाम तो बनता है। ऐश कर। मैंने तेरी शादी बचाई, तेरी बीवी के सामने तेरी इज्जत बचाई, हर महीने के तेरे नए लफड़े, बस की कीमत सिर्फ 500 रुपए। अब देख, किसी तेरे जेब में छेद करता हूं। साहब ने तुम्हें घर छोड़ने के लिए बोला है, बैठो। ठीक है। वैसे साहब के साथ चक्कर कब से चल रहा है तुम्हारा? अपना मुंह बंद रख, चुपचाप गाड़ी चलाओ, आगे से लेफ्ट लेना।
से क्या बदतमीजी है? तुमने गाड़ी मोड़ी क्यों नहीं? तुम्हारा घर तो वो शास्त्री नगर वाले मोड़ से ज्यादा नजदीक है ना? तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारी हरकतों के बारे में ना मैं अखिल को बताऊंगी, फिर देखना कैसे लात मार के नौकरी से निकालता है वो तुम्हें। अगर तुम साहब से मेरी शिकायत करोगी तो मैं तुम्हारी चुगली कर दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कल ही की है। क्या चाहिए तुम्हें? एक ऑफर है मेरे पास तुम्हारे लिए। कैसा ऑफर? हिस्सेदारी का, तुम्हारी और मेरी। इससे हम दोनों लखपति बन सकते हैं। कैसे? हमारे पास एक चलती फिरती तिजोरी है, बस सिर्फ हैंडल घुमाना है, सारा माल अपना। किसकी बात कर रहे हो तुम? अखिल गुप्ता, मेरा साहब। मुझे पता है तुम उसके साथ सिर्फ पैसे के लिए हो ना, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे हलाल करें, है मंजूर? मंजूर है। पिछले 7 महीनों से वो हमारे पेमेंट अटका के आ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तुम सेल्स में हो ना, तुम्हारा काम है पैसे निकालना। मुझे अगले हफ्ते तक अगर पूरी पेमेंट नहीं मिली तो कोई और नौकरी ढूंढ लेना। अखिल जी, सुबह सुबह इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। साले सब के सब है ना, काम निकालना जानते, बट पैसे देने की बारी आती है तो सबकी जान पर बनाती है। मुझे पता है आजकल पैसों की दिक्कत चल रही है, पर आप परेशान क्यों होते हैं? समय हमेशा एक जैसा थोड़ा ना रहता है। बस अब सुबह सुबह ना मुझे तुम्हारा प्रवचन नहीं सुनना है, जाके मेरे नानी की तैयारी करो। जी। हेलो। हाय हैंडसम, आज बड़ी जल्दी मुझे कॉल कर लिया। क्या करूं यार, आज सुबह से मेरा दिन बहुत ही बेकार जा रहा है। मैं सोच रहा था कि आज का दिन अगर हम साथ में बिताए तो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तो सोचा मॉर्निंग क्लासेस चले जाते। तू इतनी दूर क्यों खड़ी हो? इधर आ। अरे वृंदा देख लेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है। दोपहर में मिलते हैं, अभी चलते हैं। ए आकर लो क्या? मैडम देख लेंगे। ए मैडम की चाची, पक्का दोपहर को मिलेगी? परेशान लग रही हैं। मेरे हस्बैंड पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हैं। सोच रही हूँ पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा। इन्हें सामने से तो कुछ पूछ नहीं सकती, सोचा तस्वीर से ही बात कर लेती हूँ। तुम तो बहुत भोली हो, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा पति तुम्हारी पीठ के पीछे क्या गुल खिलाता है। अभी फार्म हाउस की चाबी लेके आता हूँ। देखो एक बात याद रखना, उसको अपने करीब तो आने देना, लेकिन कुछ करने मत देना, उसकी अपने लिए तड़प बढ़ने दो,
तभी समय आने पर हम बड़ा हाथ मार सकेंगे। और एक बात, अब की बार हीरे का हार मांगना। दरअसल मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, ये मेरा पहली बार है। घबराओ मत, मैं ध्यान रखूंगा ना तुम्हारा। मैं चाहती हूँ ये दिन मेरे लिए हर तरह से बहुत खास हो। मतलब 2 दिन के बाद मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा मिलन मेरे बर्थडे वाले दिन हो, ताकि ये बर्थडे मेरे लिए जिंदगी की सबसे हसीन यादें बनके हमेशा मेरे साथ रहे। क्या तुम 2 दिन मेरा इंतजार कर सकते हो? चाहे इतने दिन इंतजार किया, 2 दिन और सही। थैंक यू। वैसे तुम मेरे जन्मदिन पे मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? क्या जी? हीरे का हार? आगल बागल हो गई हो। हीरो का हार? मैं हीरो का हार नहीं दे सकता हूँ। बस इतना ही तुम्हारा प्यार? मैं तुम्हें अपनी लाइफ की इतनी कीमती चीज देने वाली हूँ और तुम मुझे एक छोटा सा गिफ्ट नहीं दे सकते? मुझे तो लगता था तुम बहुत बड़े दिल वाले हो, लेकिन तुम तो बहुत बड़े कंजूस निकले। राशि छोड़ो ना ये सब। मुझे हाथ मत लगाओ, देख लिया मैंने कितना प्यार करते हो तुम मुझे। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगी। आज इतने दिनों के बाद मैं अखिल जी के लिए तैयार हुई हूँ। तो मुझे ऐसे देखेंगे ना तो अपनी सारी परेशानियां भूल जाएंगे और मुझे एकदम से गले लगा लेंगे। अखिल जी आ गए। अखिल जी पानी। कहीं जा रही हो क्या? नहीं, मैं तो बस आप ही के लिए तैयार हुई थी। अखिल जी आपको याद है शादी के बाद मैं रोज शाम को आपके लिए ऐसी तैयार होती थी, फिर हम हसीन शाम साथ में बिताते थे। मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना वही पल जिया जाए। रिंदा बुरा मत मानना बट बहुत थक गया हूं, प्लीज। ठीक है मैं खाना लगाती हूँ। मजाक कर रहा था, मुझे लगा कि तुम मुझ पर गुस्सा करो, पर तुम तो बुरा मान गई। क्या मिलता है आपको मुझे गुस्सा दिलाकर? क्योंकि गुस्से में ना तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मुझे पता है कि पिछले कई दिनों से मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। अखिल जी, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही का तो है, बताइए आपको क्या मदद चाहिए। क्या तुम मुझे नए हीरो का हार दे सकती हो? इसे बेचकर मैं अपने कुछ कर्जे निपटा पाऊंगा। देखिए अखिल जी, आप जानते हैं ना कि ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया है। मैं जानती हूँ, अगर मेरी हालत भी खराब नहीं होती तो ये मैं तुमसे कभी नहीं मांगता। प्लीज मेरी मदद करो। ये हार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। आप ले। ये लीजिए। थैंक यू। आपको पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा? आज ना करवा चौथ है, तो शाम को घर जल्दी आ जाना। हेलो, हाँ बस मैं मीटिंग के लिए निकल ही रहा हूँ। हाँ बस पहुंचा। हाँ हाँ अखिल जी, जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान। तुम्हें मेरा बर्थडे और वादा तो याद है ना? मुझे तुम्हारा जन्मदिन भी याद है और अपना वादा भी। देखते हैं आज आप मेरे लिए क्या करते हो। मैंने राजू को भेजा है तुम्हें लेने के लिए, आता ही होगा। ठीक है फिर मैं रखती हूँ। बाय। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मेरी जान। थैंक यू। मैं अपने सरप्राइज के लिए तैयार हूँ। आंखें बंद करो। ये तो हीरो का हार जैसा कि तुम्हें चाहिए था। पसंद आया? बहुत। लो, मैं तुम्हें पहना दूँ? बहुत खूबसूरत है। चले। चलो। राजू। काफी रात हो गई, हमें चलना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? उम्मीद करता हूँ तुम्हारा जन्मदिन मैं यादगार बना पाया। तो अपना दिन मुझे भी यादगार बनाने दो।
चांद तो निकल गया है और अखिल जी अभी तक नहीं आए। एक बार उन्हें कॉल कर लेती हूँ। लगता है किसी काम में बिजी होंगे, लेकिन पूजा का समय निकला जा रहा है। फोन ही ऑफ कर दिया। एक बार फिर से कॉल करती हूँ। तुमका फोन ही बंद हो गया। अखिल जी, आप कल रात कहाँ थे? आपका फोन ऑफ आ रहा था। वो दरअसल कल रात ने डिलीवरी के चक्कर में फंस गया और कब मोबाइल की बैटरी चली गई समझ में ही नहीं आया। आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं है। कल करवा चौथ था, मैं पूरी रात आपका इंतजार करती रही लेकिन आप नहीं आए। अरे वो तो मेरे दिमाग से ही उतर गया। सॉरी बोलने से चीजें बदल जाएंगी। पूजा का अपमान करके आपने कितना बड़ा अपशगुन कर दिया आप जानते हैं? यार वृंदा बस करो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा प्रवचन सुनने में। चैन से जीने दोगी मुझे तुम? वह पूरी रात मैं ऑफिस में खपा रहा था और तुम हो गए, तुम मुझे ही चिल्ला रही। अखिल जी आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ आप किस हालातों से गुजर रहे हैं और उन हालातों से बाहर निकलने के लिए आप कड़ी मेहनत भी तो कर रहे हैं। मैं पागल हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अखिल जी मैं पूजा कर लूँ? मैंने अभी तक व्रत नहीं तोड़ा। जल्दी करो। मुझे पानी पिला दीजिए। ठीक है। अखिल जी मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरे लिए नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस जाना है वापस। जी भलाई। पति पत्नी का रिश्ता बेहद पवित्र और अंतरंग होता है, तभी तो पति पत्नी एक दूसरे के पुराख कहे जाते हैं। जहां एक तरफ पत्नी ईंट और पत्थर के मकान को अपने प्यार और समर्पण से घर बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ पति का दायित्व होता है कि हर हाल में वो अपनी पत्नी की रक्षा करे। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसका अंजाम बहुत ही डरावना हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज की इस कहानी में देखेंगे कि जब कोई इंसान रिश्तों के मर्यादाओं को तार तार करके अपनी सारी सीमाएं पार करता है तो उसका उठाया हुआ ये कदम कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। अखिल के पास सब कुछ था, एक सुशील सुंदर पत्नी, एक अच्छा खासा कारोबार, लेकिन वो अपनी इस शादीशुदा जिंदगी से उब चुका था और अपनी इसी नीरसता को मिटाने के लिए अपने से भी आधी उम्र की युवती राशि से वो आकर्षित हुआ। अखिल का ये अनैतिक फैसला एक ऐसी ढलान की शुरुआत थी जिसका अंत अपराध
और पछतावे के गहरे दलदल में होने वाला है। हाँ राजीव। सर शर्मा केमिकल से लीगल नोटिस आया है। कैसा नोटिस? अपनी कंपनी पर उनका 15 लाख बकाया है। कंपनी अकाउंट में कितना पड़ा? इतना पैसा भी नहीं है कि हम सारे स्टाफ को अगली तनख्वाह भी दे पाए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा, कंपनी अकाउंट भी पूरा खाली पड़ा है। अगर इस क्लाइंट को पैसा नहीं दिया तो मुझे कोर्ट में घसीट कर मार्केट में मेरा नाम खराब कर देगा। मुझे ही कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। एक करोड़ का बीमा आसान किश्तों में। हेलो, एसपीएस इंश्योरेंस में आपका स्वागत है। ये मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैंने अखबार में आपका इश्तिहार देखा, मुझे आपकी बीमा पॉलिसी के बारे में जानना है। सर आप आसान मासिक किश्तों में अपना बीमा करा सकते हैं। बीमा करवाने के बाद अगर आपको कुछ होता है तो आपके परिवार को पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। आप किसी एजेंट को कल मेरे वहाँ भेज दीजिए, मुझे आपकी कंपनी से बीमा लेना है। साइन करो। मैं? और कोई साइन बाकी तो नहीं? नहीं सर, सब हो गया। निंदा मिश्रा जी को चाय तो पिलाओ। मैं लेके आई। अच्छा ये इंश्योरेंस कवर शुरू कब से होगा? सर ये पेपर्स तो आज ही मैं जमा करवा दूंगा और हफ्ते भर में आपके पास बीमा के पेपर्स भी आ जाएंगे। पेपर्स के पहुंचते ही मैडम का बीमा का जो कवर है वो शुरू हो जाएगा। वैसे इंश्योरेंस क्लेम करने का क्या तरीका है? भगवान करे भाभी जी की उम्र लंबी हो, लेकिन मान लीजिए कि अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, जैसे कि कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उनकी जो पॉलिसी की रकम है वो आपको मिलेगी सर। तो जाइए जमा कीजिए पेपर्स। क्या हुआ? काफी दिनों से देख रही हूँ बड़े खोए खोए रहते हो। एक बात है जो तुम्हें मैं काफी दिनों से कहना चाहता हूँ। क्या बात बताओ? क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? क्या सच में? पर तुम्हारी पत्नी? क्यों ना हम विंदा को अपने रास्ते से हटा दे? क्या सोच भी कैसे सकते हो? इतनी गलत काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगी? वृंदा को अपने रास्ते से हटाने में ही हम दोनों का फायदा है। वृंदा के नाम पर मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, अगर उसे कुछ हो जाता है तो हमें पूरे 1 करोड़ मिलेंगे। एक करोड़? सोचो राशि, हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। हम हनीमून के लिए सिंगापुर जाएंगे राशि। मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा? तुम दिन में वृंदा के करीब रहती हो ना, तो बस मौका मिलते ही तुम्हें वृंदा को अपने रास्ते से हटाना होगा। तो ध्यान रहे, ये एक हादसा लगना चाहिए। पर कैसे? राशि तुम कंटिन्यू करो, मैं आई।
बस एक चिंगारी की जरूरत है, वृंदा खाक हो जाएगी। राशिद, तुम ये किचन में क्या कर रही हो? मुझे प्यास लग रही थी, पानी पीने आई थी। पर पानी तो मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा था। वो ठंडा पानी है, मुझे जुखाम है ना, इसलिए मैंने सोचा सादा पानी पीने के लिए किचन में चली आती हूँ। अच्छा, अरे बाप रे, किचन में गैस लीक हो रही है और इसके हाथ में ये अंगार, घर में कभी भी आग लग सकती है। मैम, मुझे घर जाना है, मुझे घर पे कुछ जरूरी काम है। ओके, मैं चलती हूँ। ठीक राशि। हाँ, मैं कैसी है? ये तो गैस की महक है, तुम ही पकड़ो। राशि तो गई। राशि, तुम किचन में पानी पी रही थी, तुम्हें गैस की महक नहीं आई? वो मैंने आपको बताया था ना, मुझे जुखाम है, इसलिए महक का पता ही नहीं चला होगा। मेरी गलती है, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ रहता है। अच्छा, तुम आज जाओ, कल आ जाना टाइम से। हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी बीवी बहुत तेज है, आज तो उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ ही लिया था। ठीक है, हम कुछ और रास्ता सोचते हैं। अखिल, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। अगर वृंदा को शक हो गया ना, तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी और को इस काम के लिए ढूंढता हूँ। ये विलायती दारू पहली बार पी रहा हूं साहब। तुम अगर चाहो तो ऐसी दारू रोज पी सकते हो। कैसे? उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसके बदले में मैं तुम्हें 2,00,000 दूंगा। कैसा काम? किसी को ठिकाने लगाना होगा। किसे? वृंदा को। मैडम, पर क्यों? ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम इतना बताओ कि तुम मेरा काम करोगे या नहीं? जो बोलोगे हो जाएगा। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रहे, ये खून नहीं बल्कि एक हादसा लगना चाहिए। तुम्हें एक ऐसी गाड़ी का इंतजाम करना होगा जिससे कोई भी तुम तक पहुंच ना पाए। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो साहब। चेयर्स। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जब किसी इंसान का बुरा समय आता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है, और ऐसे विवेकहीन लोगों की बर्बादी निश्चित होती है। अखिल भी पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो चुका था, तभी तो राशि के साथ उसने अनैतिक संबंध बनाए और फिर अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरी करने के लिए वो एक बेहद संगीन जुर्म की पटकथा लिख चुका था, और उसकी इस खूनी कहानी में भुक्त भोगी उसकी पत्नी वृंदा थी, जिसे मारने के लिए अखिल ने उसके ड्राइवर को चुना। हवस, लालच और स्वार्थ का ये खेल एक बेहद विभत्स अपराध की शक्ल लेने वाला था, जिसने आखिरकार सबकी अंतर आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। चलो कहीं टहल कर आते। नहीं अखिल जी, आप हो आइए, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे घर का भी बहुत काम। वृंदा, अरे यार वृंदा, मैं भी तो आज ऑफिस से जल्दी आया हूँ ना, ताकि तुम्हारे साथ कुछ समय बिता सकूं। हमारे रिश्ते की तरह हमें भी इस चार दीवारी से बाहर निकलकर खुली हवा की जरूरत है। चले।
ऐसी बात है तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी अखिल जी, मैं अभी आई। मैं घर से निकलने वाला हूँ, वृंदा को लेकर मैं सेंट्रल गार्डन की तरफ आऊंगा क्योंकि वहां सन्नाटा रहता है। 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है। मैं अपनी जगह पर हूं। ठीक है, तुम आओ। ठीक है। अखिल जी। अरे रुको, मैं बस अभी आया। बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो। आप मेरे साथ चलिए ना, मुझे अकेले चलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बस एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है ना, तुम आगे जाओ, मैं 2 मिनट में आया। ठीक है, जल्दी आना। हाँ जाओ। हेलो, क्या साहब? मैडम को अपने से दूर रखो ना। ठीक है, तुम गाड़ी घुमा के आओ, मैं कुछ करता हूँ। साहब, ये बार बार गाड़ी घुमा नहीं सकता मैं, लोगों को शक हो जाएगा। तुम घुमा के आओ, मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ अखिल जी? मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया वृंदा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही अखिल जी? मुझे माफ कर दो वृंदा। आज मैं इतनी खुश हूं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस वक्त अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। सच सच में मेरे लिए मर सकती हो? तुम मरो। वृंदा, वृंदा, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ यार! वृंदा, वृंदा, वृंदा! मिस्टर अखिल गुप्ता, नमस्ते। इंस्पेक्टर सर, हम यहाँ आपसे उस कार के बारे में जानकारी लेने आए हैं जिस कार से आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था। पूछिए, क्या पूछना है आपको? क्या आपको उस कार का नंबर याद है?
नहीं, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मुझे कार का नंबर लिखना याद ही नहीं रहा। तो बस अपनी वृंदा देखिए मिस्टर अखिल गुप्ता, हम पर भरोसा रख, आपकी पत्नी के गुनाहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। अच्छा, आपकी पत्नी के नाम की कोई बीमा पॉलिसी ली गई? नहीं, कुछ कोई पॉलिसी। जरूरत पड़ी तो कॉल करेंगे आप। चलो क्या लगता है सर आपको? पता नहीं क्यों मुझे ये अखिल गुप्ता टेढ़ा आदमी लग रहा है। एक काम करो, इस आदमी की कुंडली खंगालो, ये क्या करता है, किसके साथ उठता बैठता है, और इसके बैंक और बिजनेस के स्टेटमेंट निकालो और देखो कि इसकी जिंदगी में चल क्या रहा। ओके सर। जैन सर। जैन हाँ विजय बोलो। सर ये वृंदा गुप्ता एक्सीडेंट केस में आपने उसके पति के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था ना? उसी के बारे में अपडेट है। क्या अपडेट? सर ये अखिल बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। जब हमने उसके ऊपर नजर रखी तो पता चला कि राशि कश्यप नाम की एक लड़की है जिसका उसके साथ अफेयर चल रहा है। ओह सर, ये राशि कश्यप उसके घर पे वृंदा से डांस भी सीखने आती थी। यही नहीं सर, एक्सीडेंट से महीना भर पहले अखिल ने अपनी पत्नी के नाम पर एक बीमा करवाया था। इसका मतलब अखिल गुप्ता ने उस दिन हमसे झूठ बोला? जी सर, और कुछ दिन पहले बीमा का रकम मिल गया था पूरे 1 करोड़ रुपए। और सर अभी एक हफ्ता पहले उसने अपने ड्राइवर राजू को 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर भी किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अखिल गुप्ता ने वृंदा को हटाने के लिए राजू इस्तेमाल किया? लगता तो ऐसे ही सर। इस राजू को उठा, देखते हैं वो क्या बोलता। ओके सर। यही सर। आप कितनी बार बताओ मैम, सबके एक्सीडेंट के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, लेकिन उस दिन तो तेरी फोन लोकेशन उसी एरिया में ली जहां पर वृंदा गुप्ता का एक्सीडेंट हुआ था। तेरे खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत, अगर सब कुछ सच सच बताएगा तो सजा कम मिले, वरना जिंदगी भर के लिए जेल जाए और तेरे अकाउंट में सारा पैसा जब्त हो जाए। तेरे चक्कर में तेरे माँ बाप जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेंगे। बोल, तोड़ो इस। अरे नहीं, अरे नहीं 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 सब 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 बता दो, बता सब बता दो, सब बता दो सर। वो मैम सबको गाड़ी से मैंने ही उड़ाया था, अखिल गुप्ता के कहने पर किया था मैं। इसका मैं और कौन शामिल? एक और इंसान है, वो अखिल गुप्ता की दोस्त राशि। अरे ले जा। अपने इन संगीन जुर्म के लिए पुलिस ने अखिल और राजू को गिरफ्तार कर लिया और उनका साथ देने के लिए राशि अब सलाखों के पीछे है। इन तीनों पर धोखाधड़ी, हत्या और हत्या की साजिश जैसे तमाम धाराओं के तहत मुकदमे अदालत में विचाराधीन है। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वृंदा का अपने पति पर आंख मूंद कर भरोसा करना उसके लिए बहुत भारी पड़ा, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये बेहद जरूरी है कि किसी भी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम खरीदने से पहले उस पॉलिसी के बारे में सारी जानकारियां, शर्तें और पेपर्स आप जरूर पढ़ें। ज्यादातर बीमा कंपनी अपने बीमा धारकों को समय समय पर उस पॉलिसी से संबंधित जानकारी भेजती रहती है। उन सूचनाओं पर आप जरूर ध्यान दें ताकि अगर आपके नाम पर कहीं भी कोई धोखा हो रहा हो तो आप इससे अवगत हो सके। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट,
और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।